न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। उसके लिए मैंने घोषणा किया था कि मैं 14 मई को डीसी के ऑफिस के सामने धरना पर बैठे। 14 मई को चुनाव हो रहा है, प्रशासन में न कोई रहेगा न पुलिस में कोई रहेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको दो दिन बढ़ा दिया है। 14 के बदले 16 नवंबर को, 16 मई को सोमवार के दिन, 16 मई को सोमवार के दिन यहाँ जो उपायुक्त के कार्यालय पर मैं अकेले घटना पर बैठूंगा। और उसका कारण यही है टाटा लीज समझौता में नागरिक सुविधाएं देने के बारे में जो भी उल्लेख है उसके अनुसार पिछले 2 वर्षों में हमारे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। मैं फरवरी 2020 से इस बारे में लगा हूं, कई बार इन लोगों के साथ बैठकें हुई, इन्होंने भारी भारी आश्वासन दिया, मगर जब आश्वासन को जमीन पर उतारने का मौका आता है तो ये पीछे हट जाते हैं। आज ही मैं सुबह गया था, भुइयाडीह में ब्राह्मण बस्ती है, यहाँ बारिश होते ही पानी लग जाता है। ये तीसरी बरसात है, जब आश्वासन था उस समय के दोस्तों का कि हम लोग इसके लिए एक बड़ी लंबा चौड़ा प्लान बना रहे हैं और पानी को निकालेंगे, एक पैसे का काम नहीं होगा। इन लोगों ने स्वयं फरवरी 2020 में हमको सूची दिया था कि हम 2000 से अधिक घरों में कनेक्शन दे देंगे, उसका डेट लाइन दिया था, पूरा नहीं हुआ। कल जिसको के एमपी का जो बयान आया है उसे लगता है कि ये लोग बहुत गंभीर नहीं है इसके प्रति, और जिस तरह से हर 2 साल पर एक वो प्रेस नोट इशू करते हैं उसे भी कल भी एक इशू कर दिया। तो मेरी जितनी बुद्धि है उसके मुताबिक झारखंड के सरकार के साथ जब 2005 में इनके बीच समझौते का रिन्यूअल हुआ तब भी इन्होंने वे सारी बातें उसमें कही जो 1985 में पहली बार बिहार सरकार के साथ इसको के साथ बिहार सरकार का समझौता हुआ था। उस समझौते में से जो कुछ बिंदु हैं किस पेज पर हैं उसको मैंने दिया है, और इसको पढ़ेंगे आप तो इनको ये सब काम अपने खर्चे पर करना है। और क्या क्या सुविधा देनी है अंत में इसका लिखा हुआ है, जो नगर पालिका सुविधाएं देती हैं वही वे सभी सुविधाएं इनको देनी है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। अब 1985 से आज हम देखेंगे तो करीब करीब 36-37 साल हो गए, आज भी जमशेदपुर के कई बस्तियों में पानी नहीं है, इनके लीज क्षेत्र की बस्तियों में इनकी बिजली नहीं है, वहां झारखंड सरकार की बिजली है, जबकि समझौते में उनको बिजली भी देनी है। तो ये आदित्यपुर जाकर बिजली दे रहे हैं, सरायकेला दे रहे हैं, मगर अपने लीज एरिया में ये बिजली देने के लिए नहीं जाइए, आज तक 36 साल में तो नहीं दिया। तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, 36 साल में जो आप नहीं करा सकते रिन्यूअल हुआ उसके 17 साल बाद आप नहीं करा सके तो इससे कोई अच्छी छवि आपकी नहीं जाती। अब इतने दिनों के भीतर लोगों ने क्यों नहीं करवाया आपसे, उनको पता नहीं था समझौते के बारे में, या इसके प्रति वो गंभीर नहीं थे। और अब मुझे लगता है कि इस काम को 2-3 साल के भीतर कराना होगा, इसलिए अब मैं राज्य की सरकार से कहने जा रहा हूं उपायुक्त को माध्यम बनाकर कि भाई आप इसके बारे गंभीर होइए, जमशेदपुर के नागरिकों को
ये सुविधा मिलनी चाहिए। लीज में लिखा हुआ है सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर, केवल उनके लीज क्षेत्र का नहीं लिखा हुआ है, जमशेदपुर के सभी नागरिकों को ये मुहैया कराएंगे। और ये अपने लीज क्षेत्र में भी नहीं करा रहे हैं सर, इनके द्वारा जो सीवेज पाइप बिछाए गए हैं कई साल पहले भुइयाडीह में कई इलाकों में, आज मैं ले गया था इसको नोटिफाइड एरिया के अफसर को, भाई आप देख लीजिए कुछ काम जो बहुत अर्जेंट हैं, अगर टाटा स्टील नहीं कराएगा तो ये मैं आप लोगों से करवाऊंगा। मेरे साथ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उस क्षेत्र में घूमे, लोगों ने निकल के बताया ये काम कर दीजिए, यहाँ से ये काम कर दीजिए, तो हमारी जो नारकीय स्थिति बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगी, लोगों को पानी मिलने लगेगा। कई इलाके जूझू बेड़ा में ये पानी दे रहे थे 25 साल से, लोगों ने अवैध कनेक्शन लिया था, लोग मान रहे थे कि हमारा जो सीमेंट प्लांट है उसके CSR से हमको पानी मिल रहा है, अचानक एक दिन काट दिया उन्होंने। 2-4 दिन के बाद हम लोगों ने आरजू मिन्नत किया तो पंप के स्तर पर थोड़ा छोड़ा। केबुल बस्ती में, केबुल टाउन में कहा हम पानी देंगे, और आज तक कई सर लगा रहे हैं साहब, फाइन कर दे रहे हैं, और बिजली वहां भी नहीं मिली है, बिजली वहां एक जगह मिली है। तो ये स्थिति है, यहाँ बगल में एक शिवपुर बस्ती कहते हैं हम लोग, राजेंद्र विद्यालय के सामने, वहां के लोगों को कहा कि आपको पानी देंगे, केवल आप नोटिफाइड एरिया से सैफ नंबर करा लीजिए। ये सैफ नंबर करा लिया उन्होंने, अब इनकार कर दिया कि नहीं करेंगे, ऊपर का आदेश नहीं था। तो ये ऐसा लगता है ना कि जैसे हम लोग खैरात में मांग रहे हैं, जनता हाथ पसार रही है और कंपनी कुछ दे दे रही है, साहब उसको जितना मन करेगा उतना देंगे। कल के अखबारों में छपा है कि 5,000 कनेक्शन देने जा रहे हैं, बढ़िया से पढ़िएगा तो 2025 तक देने जा रहे हैं, यानी हम लोगों के विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ये देंगे। हो सकता है उनको लगता है कि तब मैं शायद उनसे निगोशिएट करने के लिए नहीं रहूं यहाँ। ये जो पैंतरा है ये ठीक नहीं है, ये नहीं देंगे सरकार दिलवाए। तो इतना ही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से मैं उपायुक्त के ऑफिस के सामने 16 मई को धरना पर बैठूंगा, और एक खास निश्चित समय करेंगे हम लोग, उसके बीच में नहीं हुआ तो आगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। और उसकी भी घोषणा करना ठीक नहीं लगता है, ये प्रेस के माध्यम से सूचना देते हैं, प्रेस नोट जारी करके देते हैं, ये DC को लिख कर नहीं देते हैं। छोड़िए, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी औकात उनके सामने कोई नहीं है, उपायुक्त के प्रति जिम्मेदार हैं, तो नहीं देते हैं। 5,000 कहाँ देंगे, किस तरह से देंगे, कैसे देंगे, इसलिए मैंने परसों बिजली विभाग के सचिव से भी बात किया हो जाएगा कि साहब आप उनको कहिए कि अपने लीज की बस्तियों में बिजली दें। उन्होंने कहा है कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा इसके लिए, और कमेटी मैंने पूछा नहीं, और बना दिया होगा तो ठीक है, उसको बनाएंगे। और जो व्यक्ति जमशेदपुर में टाटा स्टील की बिजली लेना चाहता है उसको टाटा स्टील की बिजली मिले, जो नहीं चाहता है वो झारखंड सरकार की बिजली लेकर रखेगा। तो ये मुख्य विषय आज का था, और मैं बहुत इसको कह लेट डाउन फील करता हूँ, मैं उनकी इस कार्रवाई से बड़ी अपमानित महसूस कर रहा हूँ। 2020 से क्यों मेरे सामने पैतरा कर रहे थे, 2020 से मुझे ये गलत तरीके से बात करके इन्होंने बोली दूध उम्र में रखा था, तो इसीलिए इनका जो एक्शन है वो मेरे जैसे व्यक्ति को अपमानित करने वाला है। पिछले 35-36 वर्षों में इन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ जो भी रवैया रखा हो उनको ये महसूस करना चाहिए कि मेरे साथ वो रवैया नहीं करेगा। मैं जनता के हक के लिए लड़ता हूँ, जनता के हक के लिए लड़ूंगा, और मैं अगर कोई एक भी शब्द इसमें गलत कह रहा हूँ तो सरकार के लोग या कंपनी के लोग मुझको बता दें कि साहब ये गलत कर रहे हैं,
इसलिए मैं सरकार से भी कहूँगा हिसाब मांगिए। 35-36 वर्षों में उन्होंने कितनी सुविधाएं लोगों को दी और ये सरकार के बदले में कर रहे हैं। और जब सरकार के बदले में कर रहे हैं तो मैं मांग करूंगा कि CAG इन सुविधाओं की ऑडिट करे, इसका बता दें कि हमारी जन सुविधाओं पर कितना खर्च हुआ। नगर पालिका नहीं है यहाँ, इसीलिए नहीं है कि सारी नगर पालिका का काम इनको करना था। तो आज इस स्थिति में मुझे बात होकर जुड़ होकर आपको बुलाना पड़ा है, आपकी बात कहनी पड़ी है। अपमानित करने का तरीका छोड़ दें, वो पिछले 20-25-30 साल से जो होता रहा है उसी धरने पर हाथने चलाने की कोशिश न करें। यही निवेदन उनसे है इस आग्रह करने के लिए, और ये आग्रह मैं सीधे उनसे नहीं करके उपायुक्त के माध्यम से करूँगा। मेरी बातचीत तब उनसे सरकार के ही माध्यम से होगी और मैं सरकार को ही पकड़ूंगा। धीरे धीरे वो देखते हैं रवैया क्या बदलता है। मैं डी सी को कहूँगा आप उनको बुलाइए और उनको बुलाकर आप पूछिए क्या किया आपने 35-36 वर्षों में, किस तरह से सुविधाएं दिया, अब क्या करना चाहते हैं, इसके लिए प्लान क्या है आपका, इसके लिए बजट क्या है, साल में आप कितना खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, ये वो बताएं। और मैंने मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप एक उच्चस्तरीय बैठक इसके बारे में बुलाइए। ये इतना दिन तक बहुत हो गया, अब ये नहीं चलना चाहिए। तो इतनी ही बातें थी शहर के लिए, शहर की जनता के लिए। इसके बाद में DC से बात हो रही है, DC के यहाँ DC भेजेंगे सरकार को। मैंने मुख्य सचिव से पहले ही कहा है, मुख्य सचिव ने मेरी चिट्ठी को नगर विकास सचिव को भेज दिया है, तो मैं उनसे बात करूँगा कि नगर पालिका की एवज में सुविधाएँ मिल रही हैं, नगर निगम यहाँ नहीं बन रहा है। और ये रवैया अगर कंपनी का है तो सोचिए क्या होगा, और आपको दिलवाना होगा, नहीं दिलवाएंगे तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।